हेलो एवरीवन मैं हूं आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन इग्नू से एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले भी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए इग्नू से नोटिफिकेशन आया था एंड यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आ चुका है तो अगर आप उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे देन अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ये दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कि ट्वेल्थ पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एंड ये रेगुलर भर्ती है मींस परमानेंट जॉब है अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है एंड इग्नू ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हों इग्नू में जॉब करने के लिए ठीक है आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम से आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकेंगे सो so, इसके इससे रिलेटेड ये जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट सारे जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है मैं आपके नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर इग्नू का ये जो नोटिफिकेशन है इग्नू मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ठीक है तो ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पोस्ट भी आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जे ए टी ये दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इम्पॉर्टेंट डेट देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो एक दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट डेट 21 दिसंबर 2023 है एक दिसंबर से 21 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपको 21 दिन का टाइम यहाँ पर मिल रहा है अप्लाई करने के लिए एंड यहाँ आपकी जो फीस है वो भी अप्लाई करने की यानी फीस पे करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर ही रहेगी करेक्शन अगर आपका फॉर्म फिलअप के टाइम पर कोई मिस्टेक हो जाती है आप करेक्शन करना चाहते हैं तो ये 22 से 25 दिसंबर तक आप करेक्शन uh, कर सकेंगे करेक्शन विंडो ओपन रहेगी इसकी ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आ, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को एंड उसी पोर्टल से आप इसमें अप्लाई भी कर सकेंगे ठीक है एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अनरिजर्व एंड ओवीसी को एक हजार रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी फॉर्म फिलअप एंड एस सी एस टी डब्ल्यू एस फीमेल एंड पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट के लिए छह सौ रुपए के लिए होगी इसके बाद आप एन टी एन टी एड्यूल्ड एज पर यहाँ पर जो हॉल टिकट है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा एनटीए की डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी, अभी अनाउंस नहीं की गई है इसके लिए भी आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये अभी आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड पर मैंशन रहेगा तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट एन टी ए की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट दे, दे दी गई हैं आप इन वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये जो फर्स्ट नोट जो वेबसाइट है एग्जाम डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने ये इंपॉर्टेंट डेट देख ली है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करेंगे देखिए अगेन आप यहां पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ठीक है और यहाँ पर नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो जे ए टी एंड स्टेनोग्राफर के लिए है जो कि पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं जे ए टी की जो पोस्ट है उसमें सैलरी आपको यहाँ पर लेवल टू से है उन्नीस हजार नौ सौ से स्टार्टिंग है अठारह से सत्ताइस साल जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रखी गई है अठारह से सत्ताईस साल अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हैं तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्वालिफिकेशन इसमें ट्वेल्थ पास मांगी गई है लेकिन जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है तो यहाँ पर आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है जैसे कि 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड थर्टी वर्ड पर मिनट इन हिंदी और ये जो आपकी टाइपिंग है ये आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग रहेगी तो कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हैं और हल्की फुल्की आपको टाइपिंग आती है यानी टाइपिंग करने का तरीका जो की हैं आपको ये आते हैं कि इसकी नॉलेज है तो आप घर पर अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसमें अप्लाई कर दीजिएगा स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए एज अठारह से तीस साल है और इसमें सैलरी आपको लेवल फोर से रहेगी पच्चीस से स्टार्टिंग रहेगी एंड इसमें टोटल वैकेंसी 52 है और जे की 50 है टोटल वैकेंसी ठीक है इसमें भी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे लेकिन ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो यहाँ पर भी आपको टाइपिंग टेस्ट होगा फोर्टी वर्ड पर मिनट इन हिंदी सॉरी इंग्लिश एंड थर्टी फाइव पर मिनट इन हिंदी ये कंप्यूटर पर होगा लेकिन साथ में इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो जिनको शॉर्ट हैंड आती है वो स्टैनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपने देख लिया एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन आपको जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रहता है सेम वही यहां पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एस सी को फाइव इयर्स ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट थ्री ईयर्स पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी टेन टू फिफ्टीन ईयर का एज रिलेक्सेसन रहेगा एंड अदर कैटेगरीज भी यहाँ पर दी गई हैं आप अगर इनसे रिलेटेड हैं इनसे आप बिलोंग करते हैं तो आप इनको भी देख लीजिएगा अब यहाँ बात आती है कि जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो कट ऑफ डेट क्या रहेगी तो इसकी जो कट ऑफ डेट है वो इक्कीस दिसंबर दो है इट मीन्स आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी इक्कीस दिसंबर दो से जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो यही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी अब इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो इसमें टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री थ्री टीयर होंगे आपके टीयर वन तो दोनों ही पोस्ट के लिए कंपलसरी है जेएटी के लिए भी और स्टेनोग्राफर के लिए ही दोनों पोस्ट के लिए दोनों में से किसी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपको टीयर वन देना होगा एंड देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टीयर वन होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा

टीयर सेकंड में सिर्फ जेईटी जो कैंडिडेट होंगे होगा. Uh, sorry, 1 क्योंकि पहले आपका रिटर्न हो गया उसके बाद टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड आपके स्किल टेस्ट हैं तो ये जेई के लिए टाइपिंग होगा एंड टीयर सेकेंड जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए है जो कि आपका टाइपिंग होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा ओके okay? तो ये इसमें रहेगा अब सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्योंकि आपका इसमें सबसे पहले तो टीयर वन है जो कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है तो इसमें आपका जो सेक्शन आप देख रहे हैं टीयर वन में ये आपका सेक्शन वन में मैथमेटिकल एबिलिटी से थर्डी क्वेश्चन है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से भी थर्डी क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से थर्डी क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक को आप सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस से थर्डी क्वेश्चन है एंड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से थर्डी क्वेश्चन है ठीक है टोटल यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन सॉरी फाइव सेक्शन हैं फाइव सेक्शन है 150 फिफ्टी क्वेश्चन हो जाएंगे स्किल टेस्ट आपका अलग से रहेगा टीयर सेकेंड जो कि हमने देख लिया और टीयर जो सेकेंड आपका स्टेनोग्राफर के लिए वो अलग से रहेगा अब अगर आप चाहें तो देखिए नोटिफिकेशन में आपको डिटेल सिलेबस भी इसमें दिया गया है तो नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें आप ये सिलेबस भी देख लेंगे एग्जामिनेसन सेंटर आप यहाँ पर देख लीजिए तो एग्जामिनेसन सेंटर में आपका जो वेस्ट बेंगाल में कोलकाता आसाम में गुवाहाटी दिल्ली रहेगा एंड तमिलनाडु में चेन्नई एंड महाराष्ट्र मुंबई ठीक है ये आपके एग्जामिनेसन सेंटर रहेंगे ओके okay, सो so अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक और नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हुआ है जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसी तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग